तो अंदाजा नहीं कि इसकी आवाज़ में कितना जादू है। आप मुझे बताइए इसकी आवाज़ की क्या कीमत लगाती हैं? उबैद साहब, कहिए सितारा जान, क्या कीमत लगाती हैं? अब कम से कम भी 5 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने बहुत कम कीमत लगाई इसकी आवाज की। कल आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप नूर के रास्ते में नहीं आएंगे। आप मेरे स्टूडियो में आके गाने की तैयारी कीजिए। मैंने जो बात पूछी है मनूर, बताओ मुझे, बताओ मुझे, रात अली का उस घर से क्या रिश्ता? हिंदी वाली रात मुझे मुराद अली खान ने अगवा किया था। क्या अगवा कर लिया था? तो फिर वो मुराद अली वहां क्या कर रहा था? अली खान से क्या ताल्लुक है उसका? वो जावियार का बड़ा भाई है अम्मी। जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सबकी मिन्नतें की, सबको कहा कि मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये सब कुछ उस मुराद अली खान ने किया था। मैंने ये बात सबको बताई अम्मी, मगर कोई नहीं माना, किसी ने यकीन नहीं किया मेरा। और वो साविया जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, उसने भी मेरा एतबार नहीं किया। और अप्पू जिनकी मैं बेटी थी, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी अम्मी। उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बताएं इसमें मेरा क्या कसूर, क्या कसूर है मेरा? मेरे बच्चे, मेरी जान, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं अम्मी, मैंने बड़ी कोशिश की अपने बच्चे की किस्मत बदल दो, पर मैं तुझे कोई खुशी नहीं दे सकी बेटा। आपने कुछ नहीं किया अम्मी, कोई खुशी नहीं दे सकी। मैं हार गए, तेरी माँ हर के दूर। नहीं आपका कोई कसूर नहीं, तेरे नसीब के आगे हार के। अम्मी
ऋषि, सलमा जी, क्या हुआ सलमा जी को? क्या हुआ सलमा जी? सलमा जी, सलमा जी, क्या सलमा जी? हाय क्या हो गया सलमा जी? आई खोलिए क्या हो गया दुनिया में? क्या हो गया अम्मी? जावियार कहां थे आप? मैंने सवाल किया आपसे, आप कहां थे? मेरा इस कमरे में आने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन क्यों जावियार, आज तो हमारी शादी की पहली रात है। शादी तुम्हारी हुई है कुछ, मैंने इसे समझौता किया और समझौते पे खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से हाँ की थी। मर्जी? मर्जी और खुशी तो अब मेरे लिए बेमानी हो चुकी है। वैसे यूनिवर्सिटी की आती तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। एनीवे, सो जाओ। भाभी आप जानती हैं मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन जावियार ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही देवर भाभी? मैं वो मैंने खाना रखा हुआ चूल्हे पे, मैं जरा देख कर आती हूँ। और भाई क्या हाल है जावियार खान? सब ठीक है, खुश हो ना? अच्छा जावियार खान, मैं सोच रहा था कि तुम
अक्षय को कहीं बाहर ले जाओ घुमाने पे, क्या होता है हनीमून शनीमून पे। मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छी है यार, खुश हो जाएगी, बड़ा दिल है उसका। तो भेज दें आप उसको, मुझे तो कोई मसला नहीं। ऐसी बात करते हो यार, बीवी है तुम्हारी, तुम पर रहा क्या उसका? जानता हूँ और कई दफ़ा सुन भी चुका हूँ। भाभी का भी तो आप पे बहुत हक है, उनको तो आप आज तक नहीं लेके गए कहीं। आखिर वो भाई हूँ आपका, आपके नक्शे कदम पे ही चलूँगा। वशा को समझा दीजिएगा, शादी कर ली है उससे मैंने, यही काफ़ी है। अब ये चौंचले बर्दाश्त नहीं होंगे मुझसे। I'm sorry, मेरी एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ गई थी। ये आपके ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा है? पापा ये देखें, नूर आंटी ने मेरा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया। ओह दैट्स वेरी नाइस, आपने थैंक यू कहा। थैंक यू। चले जाएं बैठो। मैं अपनी मामा के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करता है। इनकी मामा, आप यही पूछना चाह रही हैं कि मेरे छोड़ के क्यों चली गई? दरअसल उसे किसी और से प्यार हो गया था। मैं उसको रोक तो सकता था लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। I'm sorry. छोड़ इन बातों को, आप बताएं क्या प्लीज़, चाय कॉफ़ी एनीथिंग? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। श्योर। ओके बेटे, मैं आंटी को छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ ओके पापा, खुदा हाफिज़ उमर। खुदा हाफिज़। हाय व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं वो गुलूकारा जिनकी आवाज़ ने अपना जादू जगाया और हर जगह इनके गानों ने धूम मचा दी, और वो गुलूकारा हैं नूर जहां। कैसी हैं आप नूर? मैं ठीक हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप आई और छा गई, कैसा लगता है जब लोग आपके गानों को इतना पसंद करते हैं? ये तो उन सब लोगों का प्यार है जिन्हें मेरी आवाज़ पसंद है। ये नूर नहीं हो सकती। आपको पता है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग यूरोप ट्रिप पे चले। मैं आज ही लाला से कहती हूँ कि हमारी टिकट्स करा दें, हम शादी के बाद कहीं नहीं गए ना। नहीं मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते जावियार? देखो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। आपकी आवाज़ में इतना दुख है, कभी आपने मोहब्बत की? मोहब्बत? ऐसी किसी चीज़ की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अरे लगता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके तो बहुत चाहने वाले होंगे, शादी कब तक करेंगे आप? जब कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी ज़िंदगी को बदल दे। अच्छा नूर, आप ये बताएं, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या होती है? मेरा ख्याल है कि एतबार और भरोसा।
क्या हो रहा है? देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी कामयाबी हासिल की है, कितना अच्छा लगता होगा ना आपको। जिंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ दे दिया, अब वही एक लम्हा गुजारना सीख रहे हैं। कभी बेतहाशा हंसते हंसते आंखें भर आती हैं, और कभी हंजू में तनहा महसूस करता हूं। लगता है काफी गहरी चोट खाई है आपने। कभी कभी सोचता हूँ लाइल में कितनी बड़ी नेमत है, आ गई तो सिर्फ इस तरह है और कुछ नहीं। जैसे जैसे पर्दे गिरते जाते हैं, चेहरे दिल से उतरते जाते हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, दिल चाहता है कि आप इससे ज्यादा के मुस्तहक हैं। आप पे कोई एहसान नहीं है, मेरा तो फर्ज था, बल्कि एहसान तो आपने मुझ पे किया मेरी तन्हाई पर। अच्छा, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो आप मुझे खाने पे ले जाएं। जरूर, क्यों नहीं। बहुत खुश हूँ जाफियार, आप ऐसे मेरे साथ बाहर आए आज। आज तो हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। देखिए ना, क्या ऑर्डर करना है आपको? कर दो। बताइए ना, हेल्प करें, क्या ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको तो मूड ही नहीं लग रहा, आप डिसाइड कर लें, जब तक एक फोन कॉल कर लूँ। हूँ, अम्मी को बताती हूँ हम बाहर आए। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, कैसी हैं? हाँ, वो जाफियार मुझे बाहर लेके आए हैं। हम किसी और होटल में चले? तो बड़ी अच्छी जगह है। जी, लेकिन कहीं और चले जाते तो? क्यों, आपको ये जगह पसंद नहीं? आपने तो खुद ही आने को कहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस नूर, आप में कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे। जी, कहिए। पहले आप मुझसे वादा करें कि आपका जो भी फैसला हो, आप जो कुछ कहेंगे, हमारी दोस्ती खराब नहीं होगी, इसी तरह रहेगी हमारी दोस्ती। बिल्कुल, लेकिन आप बात तो बताएं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।